नी प्रिजर्वेशन जो हमारी मुहिम है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने जाना कि नी प्रिजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण क्या होता है। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि उस संरक्षण में हम कौन कौन सी सर्जरीज को इंक्लूड करते हैं जिससे कि हम रिप्लेसमेंट को टाल सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर इंडस हॉस्पिटल एंड 360 डिग्री नी क्लिनिक, और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में जिससे हम हमारी घुटने की आने वाली उम्र को बढ़ा सकते हैं और अपने नी रिप्लेसमेंट को सही उपयुक्त समय के लिए टाल सकते हैं। इस वीडियो में हम किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं? इस वीडियो में सबसे प्रथम जो हम बात कर रहे हैं वो होती है मेनिस्कस की या लिगामेंट की चोटें। मित्रों, हमारे घुटने में अंदर मेनिस्कस और लिगामेंट्स आते हैं। यह मेनिस्कस और लिगामेंट हमारे घुटने के सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी अंग हैं। जब हम इनकी किसी भी चोट को भूल जाते हैं या उसका समय पर इलाज नहीं करते हैं तो ये हमारे घुटने को धीरे 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 ख़राब करने लगते हैं। सो नी प्रिजर्वेशन में प्रथम सबसे पहले हमें उन लिगामेंट की चोटों को डील करना होता है जिन्हें हम समय पर डील नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि ACL टेयर, PCL टेयर या हमारे मेनिस्कस के टेयर। और इसमें एक बहुत उपयुक्त और ज़रूरी वस्तु है मेनिस्कल रूट टेयर। अगर हम रूट टेयर को समय से नहीं डील करते हैं तो रूट टेयर घुटने को 10 गुना स्पीड से ख़राब करता है और हमारे नी को उतनी लंबी आयु तक नहीं पहुंचने देता जो वो डिज़र्व करता है। तो ज़रूरी है कि इन चोटों को हम एक MRI के द्वारा निर्धारित करें और समय से इसका इलाज कराएं। अगर उसके बाद हम इस स्टेज से आगे निकलते हैं तो दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है घुटने का माल अलाइनमेंट। माल अलाइनमेंट क्या होता है ये हमने हमारी पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप माल अलाइनमेंट वाले वीडियो को देखें। और क्या होता है माल अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट? माल अलाइनमेंट यानी कि घुटने के अलाइनमेंट का ख़राब होना, इसको आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं जैसे हमारी गाड़ी के टायर का अलाइनमेंट ख़राब होता है और हमारी गाड़ी एक तरफ चलने लगती है। उसी प्रकार जब घुटने का अलाइनमेंट ख़राब होता है तो हम घुटने पर एक तरफ वजन डालते हैं और हमारा घुटना एक साइड से घिसने लगता है, जिस प्रकार उसे मिडिल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस कहा जाता है। अगर अलाइनमेंट सही समय पे करेक्ट किया जा सके, जिसे हम हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी कहते हैं, तो हम घुटने को वापस सेंट्रल वेट बेयरिंग जोन पे ले आते हैं और अपने घुटने की नॉर्मल लाइफ को वापस पा सकते हैं। ज़रूरी यह है कि यह अलाइनमेंट करेक्शन उस समय से पहले किया जाए जिस समय से पहले घुटना घिसा नहीं हो। तो HTO यानी हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है जो घुटने को 10 से 15 साल की एडिशनल आयु प्रदान कर सकता है, बशर्ते हम उसे सही समय पे कराएं, सही जगह पे कराएं, सही तरीके से कराएं। और बहुत ज़रूरी है कि उस पैटर्न ऑफ आर्थराइटिस को डील किया जाए जो इसको बढ़ा रहा। HTO अगर हम समय पे नहीं करा पाए हैं और हमारा घुटना एक साइड से घिस गया है, जिसे हम आइसोलेटेड कंप्लीट मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस कहते हैं, उस समय में हमारे पास जो रास्ता है उसे हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। यह नी रिप्लेसमेंट नहीं है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हमारी पहले की वीडियो में डिस्कस किया गया है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में हम केवल घुटने में एक आइसोलेटेड छोटी कैप लगाते हैं जो केवल अंदरूनी भाग को कवर करती है। इसका फ़ायदा यह हमारे घुटने के केवल अंदरूनी भाग को कवर कर रहा है, हमारे घुटने के सारे लिगामेंट्स प्रिजर्व्ड हैं, और अगर सही समय पे पार्शियल किया जाए तो वो आपको 20 से 25 साल की आयु प्रदान कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नी रिप्लेसमेंट से पहले हम इन सारे विकल्पों के बारे में समझें और सही समय पर सही ऑपरेशन की सलाह लें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।